हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशन्स ओपन नर्सरी एलकेजी यूकेजी टू 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062। शिमला नगर निगम द्वारा शांति विहार वार्ड में लगाए जा रहे गेट पर विवाद खड़ा हो गया है। यहां पर भाजपा के मनोनीत पार्षद द्वारा गेट पर ही स्थायी तौर पर कमल के फूल लगाए गए हैं, जिस पर कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने सवाल खड़े कर दिए हैं और इसको लेकर शिमला नगर निगम के आयुक्त को शिकायत दी गई है और शहर के वार्डों का भगवाकरण करने के आरोप लगाए हैं। शांति विहार वार्ड के पूर्व पार्षद महेंद्र चौहान का कहना है कि नगर निगम द्वारा शहर के सभी वार्डों के प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। शांति विहार वार्ड में भी नगर निगम द्वारा गेट बनाया गया है। गेट पर भाजपा के मनोनीत पार्षद द्वारा भाजपा के पहचान चिन्ह कमल के फूल की झालर बनाकर स्थायी तौर पर लगा दी गई है, जो कि गैर कानूनी है। गेट नगर निगम द्वारा बनाया गया है, ऐसे में किसी भी पार्टी का चिन्ह लगाना सही नहीं है। वार्ड में स्वागत गेट लगाने के लिए कांग्रेस पार्षद द्वारा नगर निगम में अपना डीओ लगवाया गया था, लेकिन भाजपा के मनोनीत पार्षद ने यहां गेट लगाया, जो कि ढली टनल निर्माण की जद में भी आने वाला है। ऐसे में पैसे की बर्बादी की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में मनोनीत पार्षद बौखला गए हैं और नियमों को ताक पर रख कर काम करवा रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर शिमला नगर निगम के आयुक्त को शिकायत की गई है। साथ ही शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज से भी गेट से कमल के फूल हटाने की बात की मांग की गई है। तो हमारे वार्ड में शांति विहार में वार्ड नंबर 22 में जो है हमारे जो माननीय पार्षद है उन्होंने वहाँ एक डीओ दिया था। हर वार्ड में जो स्वागत गेट जो बन रहे हैं उसके अंतर्गत वहाँ भी काम चल रहा था। उसके साथ साथ वहाँ पे जो है इसका क्या कहते हैं टनल का काम चल रहा है। तो हमने ये सरकार को लिख के दिया था कि भाई प्रशासन का जो है सरकार का नगर निगम का हमारा पैसा जो है उसमें बर्बाद होगा जब हमारी टनल बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम उसको बहुत अच्छा उसको ब्यूटीफाई करेंगे और बहुत अच्छा उसकी अच्छी लुक आएगी और हर वार्ड के अंदर जो है एंट्रेंस में ही गेट लगे। लेकिन एक शांति विहार ऐसा वार्ड है जो मेन रोड से जो है अंदर पर 100 फुट जो है अंदर जो है वो गेट लगा दिया। चलो अगर गेट लगा तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन यह है कि उसमें व्यर्थ में जो है नगर निगम की संपत्ति का नुकसान होगा। साथ साथ जब बनके तैयार हो गया है तो उसमें चारों तरफ से जो है पट्टी लगा दी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव निशान है कमल के फूल के साथ जो है उसमें झालर लगा दिए। लोगों को जो हमारे वहां के नॉमिनेटेड काउंसलर है उन्होंने ये दिखाने के लिए कि मेरी सरकार में इतनी चलती है और मैं जो है इस तरह के जो है लोगों का चुनाव प्रचार इस तरीके से करता हूं कि भाजपा को वोट दो, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, जो अनुचित है, जिसकी हर तरह के लोगों को जितने वो चाहे कांग्रेस की विचारधारा के हो चाहे बीजेपी की विचारधारा के हो सबको उसकी गलत काम की सबको भर्सना करनी चाहिए। क्या सरकारी संपत्ति पर कोई सरकार के किसी पार्टी विशेष के कोई पोस्टर लगते हैं या उसके अंदर कोई किसी के पार्टी सिंबल के जो है परमानेंट कोई निशान लगते हैं? तब तो सेक्रेटरीट में भी आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहां पे भी तो उनके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की मालाएं लगनी चाहिए क्योंकि वो भी तो सरकारी चीज है। तो इसलिए जो है इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे पार्षदों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। जिस जो पार्टी की आपकी पार्टी की क्यों वो तो आपकी अपनी पार्टी का घर का मामला है, लेकिन हम उनका भी मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं माननीय मंत्री जी का, लेकिन उनको निर्देश दें या उनको तुरंत बर्खास्त करें कि ऐसे लोग आपने पार्टी के अंदर लाए हैं जो पार्टी की छवि भी खराब करें और लोगों में ये दिखाने चाहते हैं कि भाई हमने पार्टी के जो है वो क्या नाम फूल लगा दिए और हम इस तरह से जीतेंगे। कल को अगर वो जीतते भी हैं, बदकिस्मती से अगर कल गलती से कल को जीत भी जाते हैं, चलो जीत जाए हार जाए वो अलग बात है, लेकिन ये तो नहीं कल को ये बोलेंगे जी सरकार के आदेश है आप घर जो है ये भगवाकरण कर दो, इन घरों का घर भी सारे लाल और पीले होने चाहिए। जो इस तरह की राजनीति में ऊंचे हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए, ऊंची पर स्थापित करनी चाहिए। हमने भी इलेक्शन लड़े हैं, मैं जो है माननीय पार्षद शारदा चौहान की माध्यम से जो है उन्होंने जो मुझे लिख के दिया है, मैं वहां से पहले पूर्व पार्षद रहा हूं, विकास अगर किया है तो हम जीते। महोदय आप हारते क्यों हैं? तीन तीन बार आप हमारे से हारे क्यों हैं? अगर आपकी
कुछ पार्टी के अंदर आपकी कोई साख है, सरकार ने अगर आपको चुना है अच्छी बात है। शुरू से मैंने उनसे निवेदन भी किया कि भाई साहब मिलजुल के काम करते हैं, जो काम मैंने किए उसको हमारे को करने दो, जो हमसे छूटते हैं उसको आप करो, जो हमारा वार्ड हमारा शहर सुंदर रहे, बढ़िया रहे, जिससे जो है हम जो है विकास की गति को प्राप्त कर सके। तो इस तरह का जो है हथकंडे अपनाना जो है उनको भी शोभा नहीं देता। और मैं सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, और शहरी विकास मंत्री से भी, और आदरणीय मेयर साहब से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे पार्षदों को जो है राजनीति में और इसमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।